अगर आप एक ऐसे इंसान है जो ये सोचते हैं कि यार केमिकल इंजीनियरिंग इज ओनली एंड ओनली अबाउट केमिकल्स, है ना, लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ कुछ हम डालेंगे, हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन डालेंगे, बम फट जाएगा, है ना, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ केमिकल्स वाली गेम है तो बिल्कुल गलत हो बेटा। केमिकल इंजीनियर्स जो होते हैं, केमिकल उसका एक सिर्फ छोटा सा पार्ट है, इसके अलावा बहुत ज्यादा और हमारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, मेडिसिन के अंदर केमिकल्स का बहुत बड़ा, हमारा केमिकल इंजीनियर्स का बहुत ज्यादा आजकल डिमांड बढ़ गया है। जब से बच्चों कोविड आया है, कोविड के बाद फार्मास्यूटिकल जो हमारी इंडस्ट्री है इसने बहुत पकड़ पकड़ी है, तो उसके अंदर केमिकल इंजीनियर्स बहुत ज्यादा हमारे चाहिए होते हैं। तो हमारे जितने भी केमिकल इंजीनियर्स हैं वो हमारा फार्मास्यूटिकल के अंदर आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी बेटा हमारी जितनी भी रिफाइनरीज हैं, है ना, ऑयल रिफाइनरीज होंगी, ये सभी के सभी केमिकल इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं और इनकी बेटा सैलरीज बहुत जबरदस्त होती हैं। तो मैं अगर आपको स्पेसिफिकली बेटा बताऊं, जो हमारी आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे आईआईटीज की केमिकल इंजीनियरिंग बहुत मानी गई है। तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज ग्लोबल लेवल की हैं वो इंडिया में आके, मैं आपको ये क्लियर, जैसे शेल कंपनी अगर आपने सुना होगा, ये ग्लोबल लेवल की ऑयल कंपनी है, ये इंडिया में आके आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, इनके केमिकल इंजीनियर्स को कैंपस रिक्रूटमेंट देती हैं ग्लोबल लेवल की कंपनीज। तो अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से करते हो तो इनकी बेटा बहुत जबरदस्त मार्केट के अंदर वैल्यू है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होगी, सीवेज एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। अब मैं आपको बता दूं बेटा केमिकल इंजीनियर्स का आजकल एक ये नया स्कोप निकल के आया है, हमारा जो वाटर और जो सीवेज है ना, ट्रीटमेंट प्लांट्स है, ये हमारे आजकल